I think the girls with their nails done now. हेलो भाइयों, तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे हो गए। तो आज मैं टाई स्टिकर मैंने लगाए हैं खुद बना के घर पे, और इसकी कॉस्ट भी बहुत सस्ती पड़ी है क्योंकि टाई स्टिकर बहुत महंगे होते हैं आजकल। जैसे आप ऑनलाइन देखते होगे 1800, 2000, 2500, इनसे ऊपर ही मिलते हैं आपको। तो ये टाई स्टिकर जो मैंने लगाए हैं बहुत बजट में रहेंगे आपके, और आप भी बना सकते हो। तो वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए भाई, मैंने पहले जो ये ट्यूब था इससे मैंने कटआउट कर लिया अपने स्टिकर। जैसे मैं MT लिख रहा हूँ, और एक MT करके और एक इस टाइप के मैंने एरो भी बना लिए हैं। तो ये चारों मैंने टायर के लिए बना लिए हैं। मैंने कैची से, सिंपल कैची से कट करा है, और ये जो बाइसाइकिल की ट्यूब होती है इससे इसको कटआउट कर लिया है मैंने। अब मैं सिंपली इसके बाद में ये इससे मैं वाइट पेंट ले आया हूँ, इससे मैं वाइट पेंट कर लूँगा इसको, जो इसका लुक इसका बढ़ा देगा, बड़ा स्टिकर जैसा लगेगा। ये वाइट हो जाएंगे ये भी और ये भी। और इसके बाद स्टिक आप सोच रहे हो कैसे करेंगे स्टिक। मैं इसे फेवी बॉन्ड मैंने परचेज़ किया था, आप इसकी जगह कुछ फेवी क्विक भी यूज़ कर सकते हो। पर इसका बेसिकली लोग ये रबड़ के लिए, रबड़ बेस एडेसिव है ये, इसके लिए पंचर वगैरह में यूज़ करते हैं। उसका स्टिक फेवी क्विक से ज़्यादा होता है मेरे हिसाब से, तो मैं पर्सनली तो ये यूज़ कर रहा हूँ। आप फेविक्विक भी यूज़ कर सकते हैं। अब सिंपली मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में पेंट करने जा रहा हूँ इनको और इनको, और सूखने के लिए रख रहा हूँ। उसके बाद इसको हम टायर में स्टिक करेंगे, उसका रिस्पांस देखेंगे कैसे लग रहा है कैसे नहीं। तो चैनल को, वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, लेट्स गो। तो भाई, पेंट करने के लिए मैंने अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर लिया है। ये स्प्रे पेंट आपको 100 रुपये के करीब मिल जाएगा, मैंने 100 रुपये का ही ख़रीदा इसको। मैंने इसको प्लेस कर लिया है जो जो मेरे को स्टिकर को अभी पेंट करना है। अब सिंपली इनको पेंट करेंगे और सूखने के लिए छोड़ देंगे। चलिए आगे चलते हैं। अभी पहली कोटिंग लगाई है हमने और सूखने के लिए छोड़ दिया इसे, उसके बाद नेक्स्ट कोटिंग करेंगे। हमारे हेल्पर हमारे साथ है। हेल्पर की शक्ल नहीं दिखाऊंगा, बहुत गंदी है। अब भाई ये सूख गए हैं, देखो यार बिल्कुल टायर स्टिकर ही लग रहे हैं, जो कि इतने महंगे होते हैं। ये भी सूख गए भाई। जो सही से पेंट नहीं हुआ ना, इसे एक बार और पेंट कर लेना। सारे सूख गए भाई, अब सीधा इनको करेंगे हम पेस्ट टायर में, उसके बाद में दिखाएंगे आपको इसका लुक कैसा आता है। Thank you.
जो टायर स्टिकर जो लुक आया ना बहुत ही अच्छा आया है। और उसमें मैं जैसे जब पेस्ट करते हो ना आपको, तो दो तीन चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, जैसे कि आप ग्लव्स पहन के पेस्ट करो। और मैंने ग्लव्स मतलब पेस्ट करते हुए वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मेरे हाथ इतने चिपचिप हो गए थे, देख सकते हो अभी भी गम इसमें लगा हुआ है। तो आप फेविक्विक भी यूज़ कर सकते हो। और आप बस इतना ध्यान रखना कि हाथ में आपके लगे ना, और बहुत ही केयरफुल लगाना उसे, और ग्लव्स ज़रूर पहनना। बाकी तो उसमें पेस्टे में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, मैं आपको इसका लुक दिखा दूंगा कैसा लगता है। चलिए लुक देखो भाई कैसा लग रहा है इसका। मैंने पेस्ट तो कर दिए हैं पर इतनी प्रॉपर से पेस्ट नहीं करा, अभी इसमें फेविस्टिक भी डालनी बनती है। बाकी ओवरऑल लुक मैं आपको बाद में दिखा दूंगा इसका। जैसे अभी जो ओवरऑल लुक आएगा ना, वो लुक मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। वो वीडियो देखने के लिए आपको चैनल पर भी सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि 500 सब्सक्राइबर हो गए, उसे 500 से 1000 पहुंचा दो। और पुरानी वीडियो में भी आपने बहुत प्यार दिखाया है, तो ऐसे ही इस वीडियो में भी दिखाइए, और जो आगे भी वीडियो आने वाली है उस पर भी आप दिखाइए, ठीक है। तो जो आगे का ओवरऑल लुक मैं दिखाऊंगा ना आपको टायर का, तो उसके लिए मैं आगे वीडियो डालूंगा, तो उसके लिए आप चैनल पहले सब्सक्राइब कर लो और चैनल को लाइक करो, शेयर करो, और वेट करो यार अगर अब तक वीडियो आ जाएगी। थैंक्स।